सलाम मेरे फ्रेंड्स, ड्रामा रिव्यू स्पीकी में करते हैं आपको खुशामदीद। नन ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रिमशा और शाहसेब अफशा को साकिब से मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। अफशा साकिब की अपनी तरफ बढ़ती हुई तवज्जो देखकर साकिब से कुछ ऐसे सवालात करती है जो उसकी पहली बीवी को तलाक देने की वजह से मुतालिक होते हैं। साकिब उन तमाम सवालात के जवाब में पशेमान दिखाई देता है, लेकिन अफशा की तरफ से किए गए सवालात साकिब को ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं कि गौहर के इस घर से रुख्सत हो जाने के बावजूद भी इसकी माँ ने सारे इख्तियारात गौहर ही को दे रखे हैं, जिनका गौहर ने बेजा फायदा उठाया और घर के हर मामले में बेजा मदाखलत से दोनों भाइयों के घर उजाड़ कर रख दिए। साकिब अपनी माँ से कहता है कि आप ही की शह की वजह से आप ही घर के हर मामलात में बोलती रहीं। हसन और साकिब की माँ को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। साकिब का अकेलापन और हसन की बेचैनी उन्हें जीने नहीं देगी। गौहर को हर तरफ से अपनी नाकामी नजर आ रही है, हसन भी उसे ही इल्जाम दे रहा है। साकिब और जहांगीर पर भी गौहर की हकीकत आश्कार हो चुकी है। राबी अकलमंदी से काम लेते हुए उमर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उमर है तो आखिर बच्चा, अपनी माँ की बेतवज्जही का शिकार ये बच्चा जब राबी की तरफ से प्यार का एहसास पाता है तो उसे अपनी माँ का हर जुल्म याद आता है और वो गौहर ही को बुरा समझता है। जहांगीर और राबी पर जब यह हकीकत खुलती है कि राबी के बच्चे को मारने वाली भी गौहर ही थी, तो अब क्या बाकी रह जाता है। गौहर तो ये सब कुछ सुनकर वो भी अपने बच्चे के मुँह से पागल ही हो जाती है। वो उमर पर खूब चीखती है। गौहर कहती है, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे निपटना है, मैं उनसे निपट लूँ, इसके बाद तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की शक्ल देखने को भी तरसा दूंगी। और फिर गौहर राबी के कमरे की तरफ बढ़ती है। राबी गौहर को फेफड़ा हुआ देखकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। गौहर बिल्कुल पागल हो जाती है, हाथ में छुरी लिए हुए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। राबी अंदर से घबराई हुई हालत में बोलती है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं खुदकुशी कर लूंगी। गौहर चीखती है, खुदकुशी हराम है, राबी दरवाजा खोलो। अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामों के प्रोमोस, टीजर्स और मुकम्मल कहानियाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह नेगेबान।